फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद साक्षी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं साबुदाने बड़े, जो बहुत ही ज्यादा क्रंची से होते हैं, जो सबको खाने में पसंद होते हैं। आज की मेरी ये रेसिपी देखने से आपके साबुदाना बड़ा हमेशा ही क्रंची बढ़िया बनेंगे, बिल्कुल बाजार जैसे। आप इसे डेली यूज में भी जरूर बनाएंगे, तो नवरात्रि स्पेशल जैसे आपको पता है, जो देखिए कितना ही बढ़िया लग रहा है। इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया था छोटे वाला साबुदाना, जिसको मैंने डेढ़ कटोरी लिया, उसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो लिया था। अब हमने एक खाली बोल में जो हमने साबुदाना भिगो लिया था अच्छी तरीके से, उसको हम लेंगे। और मैंने लिए बॉयल आलू, जिसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया। मैंने 4 आलू लिए, जिससे अच्छे बड़े बनेंगे हमारे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले बारीक चॉप की हरी मिर्च। जो हरी मिर्च है ना, वो बारीक चॉप ही होनी चाहिए, जो हम बड़े बनाएंगे वरना फट जाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम आधी छोटी कटोरी, हमने इसमें ऐड किया है कद्दूकस किया हुआ अदरक। ये मैंने लिए मूंगफली के दाने, जैसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार व्रत का सेंधा नमक, और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और धनिया पत्ती। अब हम इस सबका एक अच्छा सा डो बना के रेडी करेंगे, मतलब थोड़ा बड़े टाइप में इस तरीके का एक डो बन के रेडी हो जाएगा। दोस्तों, मैंने अपने दोनों हाथों को अच्छे से ऑयली कर लिया है इस तरीके से, और इसके हम बड़े बनाएंगे इस तरीके से नॉर्मल से। दोस्तों, जो खाने में भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है, आप जरूर ट्राई करना चाहिए नवरात्रि स्पेशल वीडियो जैसा। मैं इसको दोस्तों ज्यादा देर नहीं रखना, जब हम इसमें नमक डालें ना, तो हम इसको तुरंत ही बनाना स्टार्ट करें। इस तरीके से मैंने बना लिया, अगर हम नमक डाल के छोड़ देंगे ना, तो ये पानी पानी सा बह जाएगा। अब मैंने इसी तरीके से अपने हाथों को दोबारा से ग्रीस कर लिया था, और उनको गोल गोल कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसको बीच में से प्रेस करेंगे, इसको हम टिक्की टाइप में बनाएंगे। हल्का सा प्रेस कर लिया, और मैंने लिए एक लकड़ी, मैंने रई, और जो लकड़ी वाली रई होती है ना, उससे मैंने इस तरीके से छेद कर लिया है। बड़े बना लिए मैंने गोल गोल, और दोनों तरीके की शेप दे दी है। अब हम इसको सेकेंगे। मैंने लिया एक कढ़ाई में ऑयल, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है दोस्तों। तो अब मैंने इसमें एक एक करके अपने बड़े डालूंगी। दोस्तों, इसमें एक बार में 4 से ज़्यादा ना डालें, क्योंकि अगर जो चिपक जाएंगे ना, फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी। मैंने इसमें एक बार में 4, जैसे कि आपकी कढ़ाई हो, मतलब मेरी बहुत बड़ी कढ़ाई है, इसलिए मैंने इसमें 5 डाली है। आप इसको हमें स्लो गैस पर ही सेकना है। ये एक तरफ से सेक चुके हैं, तब मैंने इन्हें पलट दिया है। अब जो दोनों तरफ से सेक चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे हम दोस्तों। इसी तरीके से बड़े भी सेक लिए, आप देख सकते हैं ना कितना बढ़िया तरीके से स्लो गैस पर। अब हमारे बड़े भी इसी तरीके से मैंने सेक लिए। अब हमारे बड़े भी बनके तैयार है, दोनों तरीके से साबुदाना बड़ा। मैंने इनको हरे धनिया की चटनी और दही से ने सर्व किया है। आपको जैसे पसंद हो वैसे सर्व करें दोस्तों। मेरी ये साबुदाने बड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।